ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली कहने का मतलब कौन हो गया, ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स। आप अगर पीरियोडिक टेबल में चार देखेंगे कोण ले ये जी, सिक्स लिखा रहता है, सिक्स ए, ठीक है, इसी को कहते हैं ग्रुप 16। ऑक्सीजन का मतलब चार क्या कोण हो जी, गया कि ये डबल बॉन्डेड ओ होगा। हम लोग को ये पता है जो भी ग्रुप 16 एलिमेंट होगा उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस फैमिली, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल्स टू 6। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज होगा ये +6 से लेके -2 तक होगा। कहां से कहां, +6 से लेके -2 तक। ऑड्स काफी कम शो करता है, इवेंट्स ज्यादा शो करता है, यानी कि +6 शो करेगा, +4 शो करेगा, +2 शो करेगा, 0 शो करेगा और -2। ये इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑड्स ना के बराबर। मगर ऑक्सीजन को तो आप जानते हैं ये क्या करता है, एक्सेप्शनल कैरेक्टर रखता है, तो ऑक्सीजन कुछ भी शो कर सकता है, ऑक्सीजन के लिए कोई रोक टोक नहीं। बाकी सब के लिए ना बहुत बड़ा बाउंडनेस है कि बाकी सब जब भी शो करेगा तो ऐसा कुछ इवन ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ये हर एक एलिमेंट का बात है जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर इवन से इवन रहता है वो इवन ऑक्सीडेशन नंबर जनरल तौर पे शो करता है, ठीक है, ये सब के लिए बात है। चलिए दूसरा बात, ग्रुप 16 का एलिमेंट कौन कौन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। कैसे कैसे, ऑक्सीजन सेकेंड ग्रुप, सल्फर थर्ड, सेलेनियम फोर्थ, टेल्यूरियम फिफ्थ, पोलोनियम सिक्स्थ, ठीक है। तो हर एक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NH2 और NP4, ठीक ठीक है, NH2 NP4, ये इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ऑक्सीजन के केस में ये क्या होता है, 2S2 2P4, और पोलोनियम के केस में क्या होगा, ये 6S2 6B4 6S2 6B4, 6P4, ठीक है। तो ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। और क्योंकि इसका जो nth ऑर्बिट है उसका डी ब्लॉक या डी ऑर्बिटल काम में नहीं आता, इसलिए ये अगर कभी भी डी को पार्टिसिपेट कराता है तो इसमें कौन काम करता है, इनर डी काम करता है, इनर्ट इनर डी ऑर्बिटल काम करता है, गैन ठीक है। इसमें आउटर डी ऑर्बिटल काम नहीं करता है, इसमें हमेशा इनर डी ऑर्बिटल काम करता है। तो पी ब्लॉक में जितना ज्यादा डी ऑर्बिटल का सिग्निफिकेंस बढ़ेगा, मतलब जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ऑक्सीजन ठहरा गैस, उसके बाद नॉन मेटल सॉलिड सल्फर, फिर उसके बाद क्या है, थोड़ा सा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज किया, पोलोनियम में काफी इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो पोलोनियम जो होता है ना, जैसे हम लोग पढ़े थे बिस्मथ जो होता है वो टिपिकल मेटल होता है, एग्जैक्टली यस सर। पोलोनियम वैसा ही होता है, ठीक है, पोलोनियम। आगे देखिए यहाँ पे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई, ये किस चीज से मैटर करता है, सर आइज पे साइज, आइज साइज मैटर करता है। इसमें कुछ भी है ना मतलब नहीं होता एक्सेप्शन, वैसा नहीं है। ऑक्सीजन से बड़ा सल्फर, सल्फर से बड़ा सेलेनियम, सेलेनियम से बड़ा टेल्यूरियम। देखिए अभी सेलेनियम का नाम लिए तो हमको याद आ गया, आप कभी हेड एंड शोल्डर यूज किए हैं शैम्पू, यस सर। हेड एंड शोल्डर में ज्यादातर सेलेनियम होता है, ठीक है। हार्म करता है कि ये बात बस अभी हम लाइन खींच के बोलने ही वाले थे, अगर आप डेली शैम्पू करते हैं हेड एंड शोल्डर से तो आपका बाल टुकड़े टुकड़े में मुट्ठी मुट्ठी करके निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ कितने दिन सर, में, अगर आप कंटिन्यू 3 मंथ्स इसको यूज कर लिए, हर दिन लगाए हैं तो, ठीक है। इस कारण से हेड एंड शोल्डर देखिएगा बोला हुआ रहता है उसके, है ना, सैसे या फिर पाउच सब पे लिखा रहता है यूज ट्वाइस वीकली, ठीक है। 1 वीक में कितनी बार मैक्सिमम यूज करना है, 2 बार। वो जानता है ना, बनाने वाला तो जानता है कि इसके अंदर क्या और क्या इफेक्ट पड़ेगा,
इसलिए वो लिखा रहता है कि वीक में दो ही बार यूज करें कृपया, मगर आदमी सुनता नहीं है। वो सोचता है अब हम क्या करें, दूसरा लेने जाए मेरा बाल गंदा हो जाता है डेली डेली, ठीक है, इसलिए हम डेली डेली धोएंगे। धोने दीजिए, फिर धीरे धीरे क्या होता जाएगा उसका, वो सर धोला जाएगा, गंदा हो जाएगा, ऐसा ऐसा वाला सिर दिखेगा, दिखा सर चमकते रहेगा। देखिए आंख भी है और देखिए मुंह भी है, कैसा लग रहा है सर, आप तो मशरूम बना दिए। ध्यान से देखिए, स्कल है, ठीक है, आदमी नहीं लग रहा सर, भूत जा रहा है, यहाँ पे बाल नहीं रहे, ठीक है। तो ये सेलेनियम का यूज होता है, और सेलेनियम रजनीकांत बन जाएगा। रजनीकांत का तो आप देखे होंगे, इधर साइड में कुछ कुछ है भी ना, ठीक है, इसका कुछ नहीं रहेगा, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे वैसे वैसे साइज क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। ये बोल रहा है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, इंक्रीजेस बिना किसी एक्सेप्शन के साइज इंक्रीज करता जाएगा। अगला है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें एक्सेप्शन है ही नहीं ना, कहीं नहीं। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, जैसे जैसे ग्रुप नीचे आ रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी घटता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं डाउन द ग्रुप क्या होगा सर, डिक्रीज करता है सर, डाउन डिक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, डिक्रीज करता है। मगर देखिए कौन से आयनाइजेशन का बात हो रहा है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन, आप ये समझ रहे हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन। मान लीजिए एटम है, एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लिए हम, तो एटम प्लस बन गया, ये कहलाया इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जितना एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब किया ना ये, उसको बोला फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो डाउन द ग्रुप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता रहता है, डिक्रीज करता रहता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। अच्छा आगे और नीचे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, देखिए उसमें कोई एक्सेप्शन है क्या, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होता। अच्छा इसके पीछे का कारण हम बता सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाले का भी कारण दे सकते हैं। चलिए आते हैं पहले इस पे बात कर लेते, फिर ऊपर एक बार फिर से चलेंगे। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ये हमको बताइएगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी होता है या फिर एटम का प्रॉपर्टी होता है। मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कितना स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है, ठीक है, इसी से डिसाइड होता है कि मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा। मेल्टिंग पॉइंट, अब ये सोचिए अगर साइज में छोटा रहेगा तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया कम, साइज में अगर बड़ा रहेगा कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ज्यादा, तो मोर वेंडरवॉल फोर्स, मोर वेंडरवॉल फोर्स, यस सर। और अगर साइज छोटा है लेस वेंडरवॉल, लेस या स्मॉल साइज है, ठीक है, वैसे केस में लेस वेंडरवॉल फोर्स, और वेंडरवॉल ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, चाहे कोई भी, कोई भी कंपाउंड है, एलिमेंट है, कुछ भी है, उसका मेल्टिंग क्या होगा, उसका बॉइलिंग क्या होगा, इसको डिसाइड करने वाला कौन होता है, इसको डिसाइड करने वाला हमेशा वेंडरवॉल फोर्स होता है। कोई दिक्कत किसी को, नो सर। चलिए बढ़िया, अभी हम बोले थे इसके ऊपर वाले में चलेंगे। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, अलग से थोड़ा समझाते हैं। देखिए एक मिनट, थोड़ा जगह बना ले। देखिए मान लीजिए जैसे ऑक्सीजन है सबसे छोटा, ये न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट हो गया और सेकंड ऑर्बिट हो गया, ये ऐसा। और मान लीजिए अगर मेरे पास पोलोनियम है तो पोलोनियम का न्यूक्लियस साइज बड़ा होता है, एक दो फिर तीन, कितना होगा पोलोनियम में सर, सिक्स, चार सर, इसके इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेगा इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है। अब तो आपको दिख रहा होगा, मतलब ई स्ट्रक्चर देखता ना, तो नील्स बोर भी बेचारा बोलता कि
गजब। मगर आप मान लीजिए स्फेरिकल, ठीक है, आप तो मान ही सकते हैं इसमें क्या जाता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, डिस्टेंस देख रहे हैं न्यूक्लियस से, और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, डिस्टेंस देख रहे हैं न्यूक्लियस से। तो अगर स्मॉल साइज है आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। क्या आपको इसका फॉर्मूला याद है? क्या आपको इसका फॉर्मूला याद है? तो अगर r छोटा हो जाएगा तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। वही चीज अभी बोल रहे थे, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम, और अगर लार्ज साइज है तो वैसे केस में फोर्स कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा दैट विल बी लीस्ट या लेस। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको लेस एनर्जी लगेगा। यस yes, लेस एनर्जी लगेगा। इस कारण से इसका आयनाइजेशन क्या होता है? कम। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी लेस, और जिसका साइज छोटा है उसका आयनाइजेशन क्या होता है? ज्यादा। अच्छा, एक दूसरा फैक्टर भी है, एक दूसरा फैक्टर भी है, ध्यान से समझिएगा। आप ये देख रहे हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना ऑर्बिट्स आ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी मैटर करता है। 5 ऑर्बिट्स का मतलब हो गया 5 सिल्ड्स का yes, मतलब 5 सिल्ड्स शील्डिंग इफेक्ट कम है। तो शील्डिंग इफेक्ट इसमें ज्यादा होगा ना, इट इज पोलोनियम। यस सर। और यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक ही शील्ड बन रहा है, एक शील्ड। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बन रहा है तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? लेस, कम होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट भी इसका कॉज हो सकता है, और सबसे ज्यादा मेजर कॉज तो कौन है? साइज मैटर करता है, ठीक है, डिस्टेंस मैटर करता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी का वो आप पैटर्न देखेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का प्रॉपर्टी होता है कि न्यूक्लियस इफेक्टिव होता है? न्यूक्लियस इफेक्टिव होता है। अगर हम इतना छोटा एक एटम बनाए और अगर इतना बड़ा एक एटम बनाए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां रहेगा बाहर का इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, बाहर का इलेक्ट्रॉन, इसका नहीं है, बाहर का है। तो देखिए, न्यूक्लियस के यहाँ पे अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा, कब? जब साइज स्मॉल ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी कम, कब कम है? जब साइज बड़ा है, ठीक है, लार्ज साइज। तो वैसे केस में आप कह सकते हैं कि जो साइज होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज कैसे रिलेटेड होता है? इनवर्सली, ठीक है। अगर साइज छोटा होगा, इनवर्स रिलेशन होता है, हाँ, अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा, एकदम ज्यादा होगा, ये मैटर करता है ना। अच्छा, देख रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पोलोनियम का नाम नहीं डाला गया, उसको छोड़ दिया, उसका बहुत बड़ा साइज है, साइज उसका बहुत ज्यादा। आपको याद है हम क्या बोले थे? पोलोनियम जो है ना वो लगभग मेटल का कैरेक्टरिस्टिक होने लगता है ना। हाँ हाँ हाँ, यस सर। और मेटल में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करेगा वो, इस कारण से पोलोनियम को इस कैटेगरी में रखा ही नहीं गया है। ये सब याद रखिएगा। फिफ्थ नंबर, मेटालिक कैरेक्टर, देखिए आ गया पोलोनियम का ज्यादा, यस, पोलोनियम मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर, और ऑक्सीजन के पास लीस्ट, लेस मेटल, ठीक है, लीस्ट क्या, एकदम गैस मेटालिक कैरेक्टर, चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ आ ही गया एलिमेंटल स्टेट, अभी हम इसी पे बात करने वाले थे, हम सोचे नहीं दिया। देखिए एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट कहने का मतलब क्या हो गया कि जब आप एनवायरमेंट से O2 निकालते हैं, जब आप एनवायरमेंट से S8 या S6 निकालते हैं, तब अपने प्योर स्टेट में आपको ये पता है नहीं ये सॉलिड होता है, देखे कि नहीं, सल्फर कभी देखे कि नहीं? हाँ ना सर, सॉफ्ट जो रहता है ना, नहीं सॉफ्ट नहीं रहता, चलिए कोई बात नहीं, नहीं देखे तो पीला टाइप का रहता है ना, आप पीला टाइप का तो रहता है, सल्फर का ये तो है, नाम सुने कभी सर, उसी जो नाइफ से कट जाता है, छुरी से कट जाता है ना, वैसा नहीं होता,
नाम सुने कभी गंधक? गंधक yes, नहीं सर, नहीं सुने। चलिए ठीक है, ये भी नहीं सुने। जहाँ पूजा का सामान मिलता है ना, पूजा सामग्री, ठीक है, वहां जाके बोलिएगा ना कि भैया 5 रुपया का हमको गंधक दे दीजिए, सल्फर मत बोलिए, 5 रुपया का गंधक दे दीजिए। लगभग आपको है ना ऐसा ऐसा इतना छोटा छोटा या इससे है ना लगभग है ना इतना बड़ा बड़ा 3-4 टुकड़ा दे देगा। पता है इसको कहाँ यूज करते हैं? घर में रेप्टाइल्स घुस जाता है उसको हटाने के लिए। रेप्टाइल्स समझते हैं? हाँ सर, मैं फ्रॉग हो गया, स्नेक्स हो गया। ओ चिपकली, लिजर्ड वगैरह ना। हाँ है ना, चिपकली, उन सबको भगाने के लिए इसको क्या किया जाता है कि पाउडर बनाया जाता है और उसके बाद गोईठा, जानते हैं गोईठा? उसमें जला के और इसको डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस काम में आता है, जनरल आदमी इसको इस काम में लाता है। अच्छा, दूसरा एक बात, कभी आपको अगर आपके स्किन पे कोई भी इचिंग टाइप का कभी प्रॉब्लम हुआ हो, अगर जनरल तौर पे रिंग्स वगैरह हो जाता है बरसात के मौसम में, ठीक है, तो उस समय एक ऑइंटमेंट मिलता है। नाम समझ रहे? ऑइंटमेंट। यस सर, मलहम। ऑइंटमेंट को कभी अगर घर में पड़ा होगा ना तो पलट के देखिएगा। अरे वो नहीं दिखाता है, एक प्रचार क्या दिखाता है, दाद खाज खुजली सब मिटाए, क्या बीटेक्स, रिंग गार्ड है, बीटेक्स है, ये सब है। तो इन सबको कभी अगर देखिएगा ना तो उसका जो कॉम्पोजिशन होता है ना उसमें लिखा रहता है सल्फर, मेन कॉम्पोनेंट सल्फर होता है, मेन कॉम्पोनेंट। अच्छा, दूसरा कभी आप, क्या नाम है उसका, अरे गया के बगल में है, गया के बगल में एक जगह है। हाँ सर, जहां राजगीर, 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 राजगीर अगर कभी गए हो तो आप जरूर वहां पे गर्म पानी में नहाए होंगे कभी। यस सर, नहाए है, क्या झूठ बोल रहा है मीना? हाँ सर, अरे यस सर, हम भी गए हैं वहीं। ठीक है, जब आप वहां पे नहाते हैं ना तो वो पानी गर्म जो रहता है, एक्चुअल में बहुत कोई उसको है ना घर लेके आता है डब्बे में बंद करके। कारण क्या है ना कि उस वाले पानी में एक्चुअल में क्या रहता है, सल्फर रहता है, उस वाले पानी में सल्फर रहता है। तो अगर बाय द वे आपको कभी है ना बाहर का कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप अगर नहाते हैं तो वो क्या करता है कि आपके शरीर में से ना वो सारा जो बैक्टीरिया होता है उन सबको मार देता है। तो आदमी क्या बोलता है कि मेरा कोई कोई रोग था जो वहां पे जाके नहाने से ठीक हो गया, समझे? चमत्कार। हाँ, चमत्कार तो होते रहता है, वो तो भगवान हर जगह है ना, कण कण में, ठीक है। मगर यहाँ वाली बात समझ रहे हैं कि हाँ चमत्कार क्यों होता है? यस सर, ठीक है, इस कारण से। चलिए ठीक है, यहाँ तक का बात आप समझ गए, सल्फर क्या क्या कर सकता है और कौन से फॉर्म में रहता है। अब दूसरी बात, ऑक्सीजन के बारे में हम लोग सब जानते हैं, पूरा सांस पे सांस लेते हैं, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद जो है सब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अदर देन ऑक्सीजन। तो ऊपर आप पढ़ लीजिएगा जो लिखा हुआ है, आराम से है ना घर पे जब नोट्स बनाइएगा, खाली रखे मत रहिएगा, कॉपी में नोट्स बनाइएगा, उस समय आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या है ना कि एक ऑक्सीजन ही है जो O2 बनाता है, एक ऑक्सीजन है जो डायएटॉमिक फॉर्म में होता है, बाकी सब का सब जनरल फॉर्म में ऑक्टा के फॉर्म में रहता है, ऑक्टा, ऑक्टा के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो क्योंकि इसका साइज बड़ा हो गया ना, इस बार 8-8 एटम है तो साइज तो बड़ा हो गया इसका, और साइज बड़ा हो गया तो कौन सा फोर्स इफेक्टिव? वैंडरवॉल। और वैंडरवॉल इफेक्टिव इस कारण से गैस से वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड, ठीक है, सॉलिड में हो जाता है। पीछे कारण यही है, थोड़ा सा यहाँ पे सेलेनियम से Se8 होगा ये, ठीक है, सेलेनियम Se8 के फॉर्म में होता है, सल्फर S8 के फॉर्म में होता है, ठीक है। आगे एलोट्रॉप्स। हाँ सर, बोल रहे जो सल्फर वाला जो अगर पानी होता है सर, जो बोले वहाँ सर, उसको पानी अगर चला जाए तो पेट में कोई दिक्कत है? पी लेते, यही ना? यस सर। नहीं, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ये नहीं कि 5 लीटर पानी एक ही बार में पी, हाँ वो मत कीजिए। हाँ सर, उसको मना करिए, नहीं तो पी लेगा जा। नहीं नहीं, बस नहीं होता है, जैसे चन्ना इमृत समझ के है ना एक चम्मच पी लेते हैं, बस उतने में खुश हो जाइएगा, ठीक है,
ये नहीं कि पेट भर पानी है, वहां डुबकी लगाए हैं, इसमें सल्फर है, अच्छा है तो पेट भर पानी, भगवान को प्यारा हो जाएगा सर, वो खराबी कर जाएगा। ठीक है, देखिए समझ गया ना आदित्य? हाँ सर, अब चना अमृत जितना लेंगे। हाँ बस बस यही ठीक बात था। देखिए एलोट्रॉप्स, ठीक है, तो ऑल एलिमेंट एग्जिस्ट एलोट्रॉपी फॉर एग्जाम्पल दिया, सबका एलोट्रॉप्स होता है, इसमें मेनली हम लोग को ऑक्सीजन और सल्फर पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ O2 और O3 ये दो एलोट्रॉप्स हैं। किससे तो हम पूछे थे, हाँ 11 क्लास से पूछे थे हम, बोले हैं कि O3 जो है ये बताओ एलिमेंट है या बताओ कंपाउंड है, आप क्या बोलना चाहेंगे बोलिए तो। कंपाउंड है, देखिए सर एलिमेंट, और ये सामने लिखा है एलोट्रॉप का भी कंपाउंड होता है, कि एलोट्रॉप का मतलब एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है सर, पता है एलिमेंट होता है सर, एलिमेंट वाला लिखो। क्यों परेशान है, जैसे SO2 बनाता है ना वैसे ऑक्सीजन भी तो अपना डाइऑक्साइड बना सकता है, विच इज O3, तो जनरल तौर पे आदमी बोलता है कि ये कंपाउंड है, मगर एक्चुअल में ये है क्या, ये एलिमेंट है, एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है, एलिमेंट। चलिए देखिए यहाँ ऑक्सीजन O2 और O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एलोट्रॉप्स, लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो पेल बेस का होता है, और जो सॉलिड ऑक्सीजन है वो कौन से फॉर्म में, ब्लू, लगभग फेड होता है, लिक्विड तो आप जान रहे, लिक्विड ऑक्सीजन कहाँ यूज होता है आपको पता है? हाँ सर, स्पेस ठंडा होता है ना सर, स्पेस क्राफ्ट में, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट में लिक्विड ऑक्सीजन को एज फ्यूल यूज किया जाता है, समझे? नहीं सर, हम लिक्विड नाइट्रोजन को सोच रहे, और नहीं, लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो स्पेस क्राफ्ट में फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, और स्पेस क्राफ्ट में कोई भी चीज से सबसे ज्यादा वजन ऑक्सीजन का होता है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यही दो चीज वहां मेनली प्रेजेंट रहता है, फ्यूल की तरह भी यूज होता है, और जरूरत पड़ने पे उसका वो लोग पानी बना के भी पी लेता है, और जो मतलब वो लोग का बाहर निकलता है ना लिक्विड, ठीक है, वो लिक्विड फिर से क्या होता है ना, रिसाइकल होके वापस फिर से है ना लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, समझे? ये वहां पे कोई भी चीज वेस्ट करने का मतलब हो गया कि आदमी अपना जिंदगी खतरा में डाल, इसलिए जमीन पे 6 महीने का पहले ट्रेनिंग होता है, उसके बाद किसी को स्पेस में भेजा जाता है। अभी सुने है ना ये इलन मस्क वाला जो है वो सिविलियन गया स्पेस में, हाँ सर गया, अब भाड़ा लगा रहा सर जाने के लिए, हाँ तो वही बोले सिविलियन बोले ना, वो एस्ट्रोनॉट नहीं है वो सिविलियन है, उन लोगों को भी है ना 6 महीने का ट्रेनिंग दिया गया और उसके बाद लेके जाया जाता है, समझे? 6 मिनट के लिए सर 2 लाख रुपए ले रहा, अब जाने दीजिए जिसके पास रहता है, कम से कम ना स्पेस गए थे सर, आज तो दे देगा उनको पैसा, हम लोग तो नहीं ना बोल सकते कि हम लोग गए थे, ठीक है। आइए सल्फर में, सल्फर, सल्फर का एलोट्रॉप्स जो होता है एक रोम्बिक सल्फर, पहले हम सल्फर का थोड़ा स्ट्रक्चर बता दें आपको कैसा होता है, काउंट कीजिए तो कितना सल्फर है सर? 8 है सर, 8 सर, 6, हाँ आप काउंट कर लीजिए, यहाँ एक ही है, ठीक ना, ये नहीं, मेनली सल्फर का यही दो एलोट्रॉप होता है, ठीक है, एक एसेट होता है और एक एस सिक्स होता है, इसको कहते हैं चेयर स्ट्रक्चर, एस सिक्स, और इसको कहते हैं क्राउन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं होता, ठीक है। आगे यहाँ रोम्बिक सल्फर, क्या आप सॉलिड स्टेट में रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल्स पढ़े थे? हाँ सर, बस वही चीज है, ठीक है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, हाँ सर, मोनोक्लिनिक होता है जिसमें अल्फा बीटा गामा ए बी और सी कभी बराबर नहीं होता, सब इक्वल, हाँ, एक रोम्बिक सल्फर और एक मोनोक्लिनिक, यानी केवल स्ट्रक्चर डिफर करता है,
लिखा एलोट्रॉप इज येलो इन कलर, वो तो खैर सारा सल्फर येलो ही होता है. इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट रीडली सॉल्युबल इन CS2. CS2 कौन? कार्बन डाइसल्फाइड. नहीं सुनना, उसके अलावे कुछ बोलिए. CS2 कौन? नहीं, कोवेलेंट सॉल्वेंट. हिंट दे रहे हैं, नाम नहीं बता रहे. और कोई? पूरा एकदम केमिस्ट्री का बैंड बजा के रखिए. कभी नाम सुने नॉन पोलर सॉल्वेंट का? यस. वक्त पे नहीं याद आता है ना, वक्त पे नहीं याद आता. ठीक है, देखिए आपको हिंट मिलना चाहिए ना. वाटर में सॉल्युबल नहीं, यानी पोलर में सॉल्युबल नहीं. तो पोलर में सॉल्युबल नहीं तो रीडिली सॉल्युबल किस में? नॉन पोलर में. हम आपको कितनी बार बोले अर्जुन मत बनिए, इधर उधर भी थोड़ा देखा कीजिए. ठीक है, पहुंचे हम लोग मोनोक्लिनिक में. बीटा सल्फर इट इज सॉल्युबल इन CS2, कोई बड़ा बात नहीं, ऊपर वाले के जैसा. ठीक है, ये बोल रहा है ना कि अगर अल्फा सल्फर को हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं. कितना बढ़ा दें? 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कर दें, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीटा में. और अगर बीटा का टेम्परेचर 95.5 से कम कर दें, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा में. कोई बताएगा ज्यादा स्टेबल कौन है? सर एस अल्फा. अल्फा इज मोर स्टेबल, है ना? ठीक, अल्फा इज मोर स्टेबल. देखिए एस अल्फा के पास अगर टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री, तो एस बीटा के पास कम से कम टेम्परेचर होना चाहिए 96 डिग्री. आप बोलिए इन दोनों में से किसके पास कम एनर्जी है? अल्फा के पास. अल्फा के पास, अल्फा के पास अगर एनर्जी कम है, इसका मतलब इट इज मोर स्टेबल ना. समझ में आया कौन ज्यादा स्टेबल है? ठीक है, आप गर्म करते जाइएगा, अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा. और गर्म करना छोड़ दीजिएगा तो बीटा वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा. तो वापस कन्वर्ट होना मतलब क्या हो रहा है कि वो अपने स्टेबल स्टेट में आ रहा है, तभी तो वापस आ रहा है. तो कौन ज्यादा स्टेबल? अल्फा ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, अल्फा ज्यादा स्टेबल. अगला प्लास्टिक सल्फर, कोई ज्यादा मीनिंग नहीं रखता है ये, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होता है. ठीक है, ये रिएक्शन नहीं करता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है. जैसे आप देखे थे ब्लैक फॉस्फोरस, याद है आपको? हाँ सर. व्हाइट से रेड हो गया था और रेड से फिर ब्लैक हो गया था, तो रिएक्टिविटी भी इसका एकदम शून्य था. एग्जैक्टली वैसे ही ये जो डेल्टा सल्फर होता है ना, इसका रिएक्टिविटी एकदम जीरो. ठीक है, ये नॉन रिएक्टिव या अनरिएक्टिव होता है. ठीक है, ये रिएक्टिव नहीं होता. तो सबसे ज्यादा स्टेबल आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक सल्फर ही है. आगे कैटेनेशन. कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? सर अपने ही एटम के साथ में कंबाइन कर जाता है. उसको कह सकते हैं सेल्फ लिंकिंग. सेल्फ लिंकिंग एटम. ठीक है, ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 ही शो करता है, इससे ज्यादा नहीं. ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 शो करता है, मगर सल्फर को देख रहे हैं? हां सर, 2-3-4. ये ज्यादा भी शो कर सकता है सर. कार्बन के बाद सबसे ज्यादा किसका होता है पूरे के पूरे ग्रुप में? सल्फर सर. कार्बन. सल्फर. सल्फर ग्रुप में, दूसरा नहीं. अच्छा हां, सबसे ज्यादा किसका होता है? सल्फर का. सर सेकंड भी तो इसी का होता है ना? क्या सर? ओवरऑल सेकंड भी तो सबसे ज्यादा इसी का होता है. ओवरऑल सबसे ज्यादा सेल्फ लिंकिंग नहीं बोल रहा है. ओ सेल्फ लिंकिंग नहीं, सल्फर का सेल्फ लिंकिंग सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा कार्बन का होता है. सर वही बोल रहे सर, सेकंड. हां हां सेकंड में ये. हां ये ठीक, सेकंड. ऐसे कार्बन सबसे ज्यादा होता है, बाकी यहाँ पे इस वाले में बात करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन? सल्फर. ठीक है, सल्फर. देख रहे हैं हम लोग यहाँ तक नाम सुने हैं H2S, उसके बाद हम लोग नहीं सुने हैं. तो ये सब अनस्टेबल है, टूट जाएगा. ये सब अनस्टेबल है, टूट जाएगा, मगर थोड़ी देर के लिए भी तो फॉर्म करता है ना. तो फॉर्म करता है, इसका मतलब वो एग्जिस्टिंग है, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं. समझ रहे हैं? हाँ सर. चलिए ठीक, आगे. ऑक्सीजन पर्टिकुलरली,
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम लोग जान रहे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा, एंगल बोलिए तो कितना होगा? 180। ठीक है, आप बोल दिए एकदम ठीक, मगर यहाँ एंगल का बात नहीं उठ सकता है क्योंकि दो एटम में कभी भी एंगल नहीं बनता है। फिर भी आप दिए जवाब, बढ़िया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हर एक ऑक्सीजन का? sp2। जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसका? sp2 होगा। ठीक है, sp2। आइए एक नंबर पे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 इन एयर एज O2 टू द इंटेंट ऑफ 21% बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम बात करें तो पूरे एयर का 21% कौन ऑक्यूपाई करता है? ऑक्सीजन। और बाय मास अगर हम बात करें तो कितना ऑक्यूपाई करता है ये? 23% ये एयर में। अच्छा, लैब मेथड क्या है, कोई बताएगा? इस वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन ऑक्साइड है या कुछ और है? ट्राई कर सकते, ऑक्साइड ही है, Na2 होता है, सुपर ऑक्साइड। सुपर, ठीक है, ये सुपर ऑक्साइड है। जब आप NaO2 को ब्रेक कीजिएगा ना तो ये Na+ में टूटेगा और उसके साथ में ये O2- में टूटेगा, तो दो ऑक्सीजन मिलके कितना चार्ज शो कर रहा है? वन। दो ऑक्सीजन का अगर -1 है तो एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा? हाफ। माइनस हाफ, जब भी माइनस हाफ शो करता है ऑक्सीजन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड उसको कहते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो ये सोडियम का सुपर ऑक्साइड है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसे रह नहीं पाएगा, ऐसे ऑक्सीजन रह नहीं पाएगा। ठीक है, आप अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकालते हैं ना तो आपको एक बात पता चलेगा, क्या आपको बॉन्ड ऑर्डर याद है अभी तक? नहीं। अच्छा, O2- में कितना इलेक्ट्रॉन? O2- में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17। जब भी है ना 14 से ऊपर होता है, किससे? 14 से ऊपर होता है, 14 से ऊपर होगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 होगा हमेशा, और जो रेस्ट बच गया वो सब का सब अनबॉन्डेड। तो 10 - 7/2 इट इज 3/2। कितना बॉन्ड ऑर्डर आया? 1.5। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हम क्या बोले, अगर मोर देन 14 होता है, 14 या मोर देन 14, वैसे केस में फिक्स है बॉन्डेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 और रेस्ट क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है। ठीक है, तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना कम है, बॉन्ड ऑर्डर कितना कम है, इस कारण से ये O2- क्या होता है? अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। तो NaO2 वैसे भी, यहाँ आ जाइए सेकंड नंबर पे, NaO2 बहुत ज्यादा अनस्टेबल, वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो NaOH बनाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो इसको लैब मेथड ले लिया गया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, व्हेन एवर सोडियम सुपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। मेन प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे? ऑक्सीजन, ये है मेन प्रोडक्ट। और बाई प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे? NaOH। ठीक है, NaOH। बताइए O2 जो है ये प्योर मिलेगा कि इम्प्योर मिलेगा? सर इम्प्योर मिलेगा, हमेशा लैब में प्योर मिलता है, उसी को लैब मेथड में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है क्योंकि वहां पे उसका स्टडी होता है। लैब मेथड नाम आ गया मतलब जो भी निकलेगा प्योर निकलेगा। अब तरीका बताते हैं, NaOH जो है, NaOH एक्वा सॉल्यूशन के अंदर फंस के रह जाएगा और O2 गैस क्या हो जाएगा? एस्केप कर जाएगा, समझ रहे हैं? तो जब ये एस्केप करेगा तो इसको एक कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे, तो यहां जो हमको O2 मिला वो कैसा O2 मिला? प्योर O2 मिला, समझ में आया? ठीक है, अगला, एयर इज लिक्विफाइड बाय यूज ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट, यानी कि कूलिंग ऑफ बाय एक्सपेंशन ऑफ गैस। ये आप फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे,
याद है फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स? सर हुआ ही नहीं था सर पूरा कंप्लीट। अच्छा ठीक है, आप उसमें पढ़ेंगे। वैसे आप समझ रहे हैं ना क्या हुआ कि एयर लिया गया, एयर लिया गया, इसको ठंडा किया गया, सॉरी इसका टेम्परेचर डाउन किया हम लोग, वही ठंडा किया गया, और प्रेशर क्या किया हम लोग, इंक्रीज किया। टेम्परेचर डिक्रीज और प्रेशर इंक्रीज, इस कारण से क्या हुआ कि जो गैसियस पार्टिकल था एक दूसरे के नजदीक आएगा, और नजदीक आएगा तो क्या करेगा, वो लिक्विफाइड हो जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे वैसे आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे वहां पे फिजिक्स में। ठीक है, रिएक्शन विद कंपाउंड्स, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, मीनिंग कोई समझाएगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस? किससे किससे वो रिएक्ट करता है? लिखा तो है SO2 के साथ O2 रिएक्ट करता है, लिखा तो है। अब वो पढ़ के नहीं सुनाना चाह रहे थे। Whenever O2 reacts with SO2, पढ़ दिए मिनाल? सर वो नहीं बोल रहे, मतलब किसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, किसके किसके साथ करता है वो बोल रहे। सबके साथ ऑक्सीजन, सबके साथ रिएक्ट करता है। कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट नहीं बचता है जिससे ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करता है। देर सवेर आजकल करेगा ही करेगा, मतलब समझ रहे हैं, कम टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर, अपने से या एक्सटर्नल फैक्टर लगा के रिएक्शन जरूर करता है। ऑक्सीजन सबसे रिएक्शन करता है। ठीक है, अच्छा कॉन्टैक्ट प्रोसेस इसका मतलब क्या हो गया? नहीं पता। SO2 गैस है, O2 भी क्या है? गैस। जब एनवायरनमेंट में या किसी कंटेनर में ये दोनों गैसियस पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड करता है, ठीक है, तो कोलाइड करने के साथ क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोलाइड करने के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए S O2, ठीक है, और जैसे इसमें एक ऑक्सीजन आया, एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन क्या करता है, इसके साथ फिर से डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये जैसे डबल बनाया ना, आया कांटेक्ट में, कोलाइड किया, और बस क्या किया, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड बना लिया, और डबल बॉन्ड बनाते ये भी डबल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये भी डबल बॉन्ड बना लेता है, ये होता है SO3, ये है SO3। ठीक है, तो एनवायरमेंट का जो SO3, सॉरी SO2 है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, SO3 में। देखिएगा SO2 है, अगर ऑक्सीजन के साथ मिला तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, SO3 में, और यही SO3 जब वाटर के साथ मिलता है तो ये बना के देता है H2SO4, और ये हमको एसिड रेन की तरह दिखता है। एसिड रेन में बहुत सारा एसिड होता है, एक नहीं होता है, मगर उसमें H2SO4 भी होता है, किसके कारण, इसके कारण। पता है आप जब दीपावली के बाद कभी भी कोई न्यूज चैनल खोलिएगा, आपको दिखेगा कि दिल्ली का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा पोल्यूटेड हो गया, सुनने को मिलता है ना आपको? यस सर, हां सर, बहुत पटाखा फूटता है वहां से। क्या होता है ना, SO2 मेजर किया जाता है ppm में, पार्ट्स पर मिलियन, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और SO2 से आदमी को डर नहीं होता है, डर होता है कि ये एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो जाके कन्वर्ट हो जाएगा SO3 में, ये खराब चीज होता है, ये खराब होता है, समझे? इसलिए, मगर इसको जनरेट करने वाला कौन है, SO2, तो समझ रहे ना, खराब की संगति वाला भी खराब होता है। तो आदमी मानता है कि SO2 भी अगर एनवायरनमेंट में आ गया या कहीं से निकल रहा है, इसका मतलब वो कैसा है, वो जहरीला है, समझे? आदमी उसको बोलता है पॉइजनस। ठीक है, आगे तो अभी हम लोग क्या देखें कि अगर SO2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है या ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा प्लैटिनम यहाँ क्या कर रहा है, कोई बता सकता है? प्लैटिनम इज द एक्टिव मेटल, ये हम बता दे रहे हैं। प्लैटिनम नो जानकारी। अच्छा देखिए, प्लैटिनम है ना एक्टिव मेटल होता है, और ये छोटे छोटे एटम का बॉन्ड तोड़ता है। ये एक प्लैटिनम एटम, एक प्लैटिनम एटम, एक और प्लैटिनम एटम, एक और प्लैटिनम एटम। मेरे हाथ में क्या है, प्लैटिनम सीट है,
जब इसके ऊपर से डाई ऑक्सीजन पास करता है तो एक ऑक्सीजन फंस के रह जाता है और दूसरा वाला निकल के बाहर चला जाता है। तो O2 से नेसेंट ऑक्सीजन बनाने का काम किसका होता है? प्लैटिनम का। क्योंकि O2 रिएक्शन नहीं करता, मगर जब ये नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है तब तो इससे ज्यादा रिएक्टिव और कुछ है ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? प्लैटिनम क्या काम करता है, इसके ऊपर से O2 फ्लो कर रहा है, एक ऑक्सीजन फंस गया, एक ऑक्सीजन निकल गया, तो जो ऑक्सीजन निकल गया वो कैसा ऑक्सीजन होता है? नेसेंट ऑक्सीजन होता है, और नेसेंट ऑक्सीजन ही रिएक्शन करने जाता है और SO2 के साथ मिलके SO3 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो प्लैटिनम का यही काम है, वो यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। कैटलिस्ट, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाई तो नहीं हुआ शायद? नो सर। ठीक है, वहां पे आप है ना इस कैटलिस्ट के बारे में बहुत पढ़ेंगे, मतलब ऐसे कैटलिस्ट के बारे में बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, आइए उस वर्ल्ड प्रोसेस। NH3 का ऑक्सीडेशन किए, किसमें कन्वर्ट हो गया? NO में। ठीक है, NO और क्या? H2O। तो ये हम लोग के पास NO गैस बनाने के लिए एक मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़े भी थे हम लोग। हाँ, यहाँ पे भी देख रहे हैं प्लैटिनम है, और प्लैटिनम क्या कर रहा है? इस वाले ऑक्सीजन को तोड़ रहा है, तो ये नाइट्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। नाइट्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, दोनों ऑक्सीडाइज हो रहा है। चलिए आगे, कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहेगा कि सर नाइट्रोजन तो रिड्यूस हो रहा है? सर माइनस थ्री से प्लस टू हो रहा है सर। माइनस सर माइनस थ्री से प्लस टू ऑक्सीडाइज हो रहा है, से प्लस टू हो रहा है ना? हाँ सर, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। यस सर, एकदम सही। और हाइड्रोजन कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है ये हम बोल दिए? सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सर। एकदम सही, एकदम सही, ये बहुत बढ़िया आंसर। पता है हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे, मगर आप आंसर दिए। होता क्या है ना कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस का आपको छह डिफरेंट डेफिनेशन लिखाया जाता है। ठीक है, छह डेफिनेशन लिखाया जाता है, छह में से अगर एक भी करेक्ट हो गया देन द प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन अभी भी प्लस वन है, यहाँ भी प्लस वन ही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं किया तो दूसरा फैक्टर काम करेगा। क्या काम करेगा? कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, इस कारण से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन है, यहाँ नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन है, तो रिडक्शन किसका है? ध्यान रखिएगा, हर एक केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स होता है, हर एक, तोड़ के बोले हर एक, ईच एंड एवरी, कोई भी केमिकल रिएक्शन हमेशा रेडॉक्स होता है, हमेशा, नो डाउट, विदाउट ऑक्सीजन। किसका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यहाँ रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन जब स्टार्टिंग में अपने O2 के फॉर्म में है तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, मगर जब ये NO यानी कंबाइंड फॉर्म में आया माइनस टू शो कर रहा है, जब ये H2O यानी कंबाइंड फॉर्म में आया माइनस टू शो कर रहा है, तो क्योंकि ये जीरो से माइनस टू शो कर रहा है इसलिए रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, थर्ड डेकन्स प्रोसेस, इसमें HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन आप बता सकते हैं क्लोरीन का हो रहा है कि हाइड्रोजन का हो रहा है? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है सर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों 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 का हो रहा है ना, ध्यान से देखिए, दोनों का हो रहा है। हां सर, हां सर, H2 का भी हो रहा है, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखें तो क्लोरीन माइनस वन से जीरो हो गया तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का। अच्छा, कुछ यूजेज है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज यूज्ड फॉर कटिंग प्रोसेस एंड बिल्डिंग प्रोसेस, ये तो समझ गए होंगे, एक्सप्लेन करें क्या? यस यस सर। कभी गैस वेल्डिंग का नाम सुने? गैस वेल्डिंग, अच्छा छोड़िए गैस, वेल्डिंग का नाम सुने? वेल्डिंग, यस सर, यस सर।
अरे यार हम तो सोचे कि वेल्डिंग में नहीं सुना। देखिए वेल्डिंग जो मैं होता है ना, वेल्डिंग प्रोसेस दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रिक और एक गैस वेल्डिंग होता है। तो जो गैस वेल्डिंग होता है ना, कभी अगर आपको मौका मिले उसके पास 2 मिनट बैठने का, तो इसका जो सिलेंडर का नॉब होता है, सिलेंडर का जो नॉब होता है, अगर आप वहां देखें ना, तो एक गॉज लगा हुआ रहता है। वो गॉज क्या करता है ना, ऑक्सीजन कितना सप्लाई करना है और हाइड्रोजन कितना सप्लाई करना है, इसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ये इसको ये कंट्रोल करता है। तो इसी के बेसिस पे वेल्डिंग का देखिएगा, अगर पतला सीट रहता है तो वेल्डर यहाँ पे एक नॉब घुमाता है, उसके हिसाब से फ्लेम सेट करता है। अगर मोटा सीट होता है तो फिर नॉब घुमाता है और उसके अकॉर्डिंग सेट करता है। वो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देखता है हमेशा। ठीक है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो उस वेल्डिंग प्रोसेस में इसको यूज किया जाता है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। एसिटिलीन मतलब, एसिटिलीन मतलब इथाइल। C2H2, इसको एसिटिलीन गैस कहते हैं। भूलिए मत, हाइड्रोकार्बन भूल जाइए तो कैसे होगा। लिक्विड ऑक्सीजन इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्यूल यूज्ड इन रॉकेट, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। ठीक है, ये तो हो गया। चलिए ठीक, आगे ऑक्साइड्स, अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। बाइनरी मतलब टू टू सर, कम बाइनरी मतलब दो एलिमेंट। ठीक है, पता है ये हमको है ना, माने जितना भी वर्ड है, हम वर्ड का बात कर रहे हैं केमिस्ट्री नहीं, जितना भी वर्ड है उसमें हमको ये वर्ड सबसे ज्यादा अच्छे से याद रहता है। कारण क्या है ना, एक बार हम गए थे क्विज कंपटीशन में, तो वहां पे हमको है ना ये वर्ड हमको जितवाया था, 6 महीना का फ्री में कंप्यूटर कोर्स, समझे। ये एक वर्ड सर। कोई आंसर नहीं दे पाया था, हम दिए थे उसी समय से हम सीखे थे HTML, नाम सुने कभी। यस सर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए फुल फॉर्म बता दिया हमको, तो आज तो फुल फॉर्म ही बता दो इसका। एक्चुअल में वेब डिजाइनिंग में काम आता है। ठीक है, तो इसलिए हमको ये बहुत अच्छे से याद रहता है। चलिए दूसरा, अब आपके याद करने का चीज बता दे, कंप्यूटर का लैंग्वेज बाइनरी होता है, क्या आपको पता है? कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 पहचानता है बस। यस सर, यस सर, वैसे ये पुराना बात हो गया, वैसे ये पुराना बात हो गया। कितना पुराना? ये 2000 से पहले का बात है, सदियों से चला रहा है। 2000 से पहले का बात है कि कंप्यूटर केवल 0 और 1 को पहचानता है। 2000 जब आया था ना, ठीक है, उस समय एक वायरस चला था, नाम था आई लव यू। ठीक है, और ये जो वायरस है ये पूरा का पूरा सिस्टम ठप कर दिया था पूरे वर्ल्ड का, 8 आवर्स के लिए, 8 घंटे पूरे वर्ल्ड का। आदमी क्या बोला कि क्योंकि ईयर जो है वो 00 हो रहा है ना, तो कंप्यूटर इसको रीड नहीं कर पाए। ठीक है, और तभी से जाके वो लोग ढूंढना स्टार्ट किया कि फिर तो आगे चल के 3000 में ये आएगा, फिर 4000 में ये आएगा, तो परेशानी झेलते रहेंगे हर 1000 साल पे। तो इसलिए अब लैंग्वेज में 0 और 1 को है ना डिकोड कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए नया नया लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ है, नहीं तो पहले C और C++ हुआ करता था, बहुत एक्सट्रीम जावा हुआ करता था। ठीक है, जब से ओरेकल आया ना, ओरेकल इन सब से बाहर निकाल दिया सबको। ठीक है, तो आ जाइए कंप्यूटर से थोड़ा केमिस्ट्री में। बाइनरी का मतलब आप क्या समझे? टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट। जब दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट ऑक्सीजन रहेगा, देन इट इज कॉल्ड ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, चलिए देखिए आगे। ऑक्सीजन कंबाइंड नियरली विथ ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस छोड़ के सबके साथ रिएक्शन करता है, मगर जेनॉन के साथ भी ये फॉर्मेशन करता है, आपको पता है ना? जेनॉन के साथ ये रिएक्शन करता है, बाकी सब इनर्ट को छोड़ देता है मगर जेनॉन को नहीं छोड़ता। जेनॉन एक और मेरे दिमाग से निकल गया था, क्रिप्टन। ठीक है, क्रिप्टन के साथ भी ऑक्साइड बनता है, जेनॉन और क्रिप्टन का ऑक्साइड बनता है जो इनर्ट गैस है, बाकी किसी का नहीं बनता। ठीक है, अच्छा आगे। नोबल मेटल के साथ ये रिएक्शन लगभग ना के बराबर करता है,
इसलिए अपना जो गोल्ड है वो साइन करता रहता है, मगर मजाल है कि एल्यूमिनियम साइन कर ले। आप बाजार से खरीद के लाइए, चाहे उसमें खाना बनाइए या नहीं बनाइए, ओपन एयर में छोड़ दीजिए 3 दिन के लिए, देखिए उसका चमक फीका पड़ जाएगा। आप अगर उसको चाकू से ऐसे ऐसे कुरेदते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसका नीचे वाला लेयर साइन करता है ना। यस सर। और यहां से वाइट कलर का प्रेसिपिटेट निकलता जाता है, जैसे वैक्स होता है वैसा। हाँ सर, समझ। वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन सबसे रिएक्शन करता है, इससे भी रिएक्शन करता है, सिल्वर को तो छोड़ता नहीं है, इससे भी रिएक्शन करता है, मगर इतना कम होता है ना रिएक्शन कि ना के बराबर नेग्लिजिबल माना जाता है, ठीक है, नेग्लिजिबल माना जाता है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये हैलोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, मगर ये बात थोड़ा सा रॉन्ग है, एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट। नीचे आपको दिख भी रहा होगा, दिखा क्या? हाँ सर, फ्लोरीन दिख गया, मगर ये ऑक्साइड नहीं। ऐसा हम क्यों बोल दिए? आप अगर इसमें देखे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो वो आपको +2 दिखेगा। यस सर। और ऑक्साइड किसको कहते हैं? जब वो -2 शो करता है तो ये ऑक्साइड नहीं है, मगर क्लोरीन को ये छोड़ता नहीं है। ये Cl2O3 बनाता है एक कंपाउंड, ठीक है, और Cl2O3 इज ऑक्साइड ऑफ हैलोजन। ये हैलोजन का एक ऑक्साइड है, हैलोजन में पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, ठीक है। हम आपको कभी कभार थोड़ा पहले बता देते हैं, बाद में पॉइंट मिलता है तो हम स्किप कर जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये हम लोग को मिलेगा आगे चल के हैलोजन में। तो क्लोरीन एक ऐसा हैलोजन है जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है, मगर फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड नहीं बल्कि फ्लोराइड बनाता है। समझ में आया? चलिए ये ठीक था। उसके बाद ओजोन, लंबा चलेगा लगता है। एक काम करते हैं ना, आज के लिए यही रखते हैं, ओजोन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है? यस सर। ओजोन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आज हम लोग यहीं पे ना इसको स्टॉप करते हैं, और आप लोग को